हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आचल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन चैनल सी जी पी एस सी ई ज्ञान में। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 45। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अप्रैल का हम लोग यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ जो है वो कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल 2019 को स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो वो है आपका जुजाना कैपितोवा। जुजाना कैपुतोवा जो है वो स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। 1 अप्रैल 2019 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC जो है उनके जो नए CEO कौन बने हैं? मनु साहनी। तो ये नाम भी आपको याद होना चाहिए। 1 अप्रैल 2019 को किस पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2019 का खिताब जीता? तो रॉजर फेडरर। इससे पहले भी हमने रॉजर फेडरर का जो है नाम पढ़ा था करेंट अफेयर सीरीज़ में, तो आप लोग याद कीजिएगा कि कहाँ पे पढ़ा था, है ना। 1 अप्रैल 2019 को भारतीय उपग्रह MESAT उसको कौन से वाहन के द्वारा लॉन्च किया गया है? PSLV C-45। ये इम्पॉर्टेंट है। PSLV C-45 के थ्रू जो है भारत का उपग्रह या सैटेलाइट MESAT को लॉन्च किया गया। 2 अप्रैल 2019 को ICICI सिक्योरिटी के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विजय चंदोक को। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है 2 अप्रैल 2019 को बहरीन ग्राम प्री 2019 का खिताब किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ने जो है बहरीन ग्राम प्री अवार्ड जीता है। नेक्स्ट आता है आपका 2 अप्रैल 2019 को सहायक तकनीक सक्रिय भागीदारी विश्व के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। ये जो थीम था आपका सहायक तकनीक सक्रिय भागीदारी, इसके साथ जो है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है आपका 2 अप्रैल 2019 को भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच तीसरा नौसैनिक युद्ध अभ्यास हुआ है जिसका नाम क्या था? ऑसिंडेक्स। तो ये किसके बीच में होता है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑसिंडेक्स, और वो कहाँ पे हुआ था आपका? विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है 2 अप्रैल 2019 को किस राज्य के कंदमाल हल्दी को जो है आपका भौगोलिक पहचान टैग मिला है? तो वो ओडिशा। तो हमको यहाँ पे याद रखना है ओडिशा के कंदमाल हल्दी को जो है GI टैग मिला है। इसके अलावा हमने देखा था केरल की एक हल्दी को भी जो है टैग मिला है, तो वो चीज़ आप लोग पहले के क्लास में जाके देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 3 अप्रैल 2019 को किस देश ने व्यापारिक दौर पर 5G मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया? तो दक्षिण कोरिया ने जो है 5G मोबाइल नेटवर्क जो है वो भी लॉन्च कर दिया है। 4 अप्रैल 2019 को RBI की जो आपकी मौद्रिक नीति है उसके बैठक के अनुसार जो है रेपो दर क्या है? तो रेपो दर है 6%। 6 अप्रैल 2019 को फीफा जो है उनका जो विश्व रैंकिंग उन्होंने जारी किया, तो उसमें भारत का कौन सा स्थान है? 101वां स्थान है, और पहला स्थान किसका है? बेल्जियम का। नेक्स्ट है आपका 4 अप्रैल 2019 को संयुक्त अरब अमीरात मतलब कि UAE के सर्वोच्च नागरिक सम्मान उनका जो अवार्ड है जायद मेडल वो किसे मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जायद मेडल अवार्ड मिला है किसको? प्रधानमंत्री मोदी जी को। 4 अप्रैल 2019 को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया? 4 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, इम्पॉर्टेंट है। 5 अप्रैल 2019 को मैडम तुसाद में कौन से फिल्म मेकर को जगह मिली है? तो वो है आपका करण जौहर। मैडम तुसाद संग्रहालय जो है वहाँ पे जितने जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनका मोम का पुतला बनाया जाता है, मतलब उनको ये मौका मिलता है, मतलब ऐसे कुछ गिने चुने जो फेमस सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनका वहाँ पे मैडम तुसाद संग्रहालय में जो है मोम का पुतला बनाया जाता है। 5 अप्रैल 2019 को विश्व बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो वो है आपके डेविड मलपास। ये इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष किसे चुना गया है? डेविड मलपास। कहाँ के हैं वो? अमेरिका के। 5 अप्रैल 2019 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया? तो इंडियन ओशियन एंड ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया जो है वो इंडियन ओशियन में आता है, तो आपको याद रखना है कि 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है? आपका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस, और उसका थीम था इंडियन ओशियन एंड ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका।
6 अप्रैल 2019 को भारतीय उद्योग परिसंघ CII का उसका अध्यक्ष किसे चुना गया, तो वो हैं आपके विक्रम किर्लोस्कर जी को। 6 अप्रैल 2019 को LIC के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया, विपिन आनंद को। 7 अप्रैल 2019 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ फीफा उसके सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, प्रफुल्ल पटेल, ये इम्पोर्टेंट है। फीफा परिषद के पहले भारतीय भारतीय मेंबर कौन बने हैं आपके, प्रफुल्ल पटेल जी, है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, ये हम लोगों का नेशनल और इंटरनेशनल, ये हम लोगों ने देखा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का जो करेंट अफेयर्स 20 क्वेश्चंस हैं वो। अब हम लोग नेक्स्ट जो है देखेंगे आपका मई करेंट अफेयर्स छत्तीसगढ़, है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चक्रवात फेनी, फेनी चक्रवात अभी आया था कहाँ पे, ओडिशा पे आया था, है ना। फेनी तो हमको याद रखना है कि चक्रवात फेनी कहाँ पे आया था, ओडिशा में। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है आपका सुग्घर बिटिया महाअभियान, 1 मई से लेके 25 मई तक जो है ये अभियान चलाया गया, सुग्घर बिटिया महाअभियान, इम्पोर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या था, महिलाओं और किशोरी बालिकाओं को माहवारी के दौरान स्वच्छता और सही पोषण उसके बारे में जानकारी देना, और जो समाज में हमारी कुरीति चल रही है और उसका दुष्प्रभाव जो है उसके खिलाफ जागरूक बनाना इसका उद्देश्य था। ये कहाँ पे मनाया गया ये अभियान, जशपुर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, हम लोगों ने देख लिया उच्च न्यायालय के जो हमारे नए मुख्य न्यायाधीश जो बनेंगे, कौन बनेंगे, PR रामचंद्र मेनन जी, है ना। और उनको जो पद की शपथ कौन दिलाएंगे, राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल। उसके बाद आपका आता है वन भैंसा था हमारे देश में, एक देखिए हम लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था हमारा राष्ट्रीय पशु है वन भैंसा, तो जो आसाम के मानस रिजर्व से जो है वन भैंसे लाए गए थे, है ना, क्योंकि हमारे राज्य में अभी बहुत कम वन भैंसे हैं, तो टोटल 10 हैं जिसमें से 8 जो हैं वो नर हैं, 2 मादा थी, तो मादा वन भैंसे जो हैं वो आसाम से लाए गए थे, ये अगर आप लोगों को याद होगा तो अच्छी बात है। तो हमारे राज्य के वन भैंसे जिसका नाम था जुगाडू, तो उनकी मौत हो गई है उद्यंती में, उद्यंती जो आपका रिजर्व है वहाँ पर इनकी मौत हो गई है, किनकी, जुगाडू नाम के वन भैंसे की। नेक्स्ट है श्रीलंका में क्या आयोजित हुआ है आपका, यूनाइटेड इंटरनेशनल चैम्पियनशिप, ठीक है, और उसमें छत्तीसगढ़ से कौन जीते हैं, राकेश पाल, उनको 10 किलोमीटर वाली दौड़ में स्वर्ण पदक मिला है, वो धरसीवा से हैं राकेश पाल जी, तो ये आपको याद होना चाहिए, यूनाइटेड इंटरनेशनल चैम्पियनशिप। नेक्स्ट नगरीय निकाय व जो पंचायत चुनाव हुआ है छत्तीसगढ़ में, मतलब उसका प्रस्तावित समय क्या है, नगरीय के लिए तो 21 दिसंबर था जो कि अभी हो गया है, और जनवरी फरवरी में पंचायत में होगा। उसके बाद अगर हम अपने राज्य में देखें तो टोटल नगर पालिका निगम कितने हैं, 13 हैं, नगर पालिका परिषद 44, नगर पंचायत हैं 111, कुल निकाय कितने हैं 168, कुल वार्ड कितने हैं 3217, और मतदान केंद्र कितने हैं नगरीय निकाय के लिए 6115। अब आता है आपका पहला आधुनिक रजिस्ट्रेशन काउंटर, देश का सबसे पहला आधुनिक रजिस्ट्रेशन काउंटर कहाँ पे बना है, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान वो किसे मिला है आपका, पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी को, है ना। नेक्स्ट है मंडप खोल गुफा, मंडप मतलब मंदिर के भीतर शिवलिंग मिला है मंडप खोल गुफा में, और ये गुफा कहाँ पे है, पंडरिया के गंडई में, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका मंडप खोल गुफा जो कि आपका पंडरिया के गंडई नामक जगह में है। अब है आपका नेक्स्ट रायपुर के मोहरेंगा में क्या बनेगा आपका, जैव विविधता पार्क, वहाँ पर रंग बिरंगी पक्षी पाए जाते हैं। भारतीय फिल्म मेकर अच्युतानंद को क्या मिला है, कान जो एक महोत्सव होता है वहाँ पे उनको अवार्ड मिला है। दंतेश्वरी फाइटर्स बस्तर संभाग में जो है वहाँ पे उन लोगों ने नक्सल मोर्चे पर जो है रात पे गश्त लगाने का मोर्चा जो है वो मतलब जिम्मा लिया है कि इन्होंने दंतेश्वरी फाइटर्स ने। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 31 मई 2019 को कब मनाया जाता है, और इसको
छत्तीसगढ़ में भी मनाया और उसका थीम था तंबाकू व फेफड़े का स्वास्थ्य। छत्तीसगढ़ शासन में के द्वारा लोगों को तंबाकू का जो दुष्प्रभाव होता है उसके खिलाफ जागरूक करने के लिए जो है ये जो दिवस है वो मनाया। नेक्स्ट आपका करेंट अफेयर्स मई मंथ में है, जमराव पूरा स्थल, एक पूरा स्थल है जमराव दुर्ग में, तो वहाँ पे जो है उत्खनन जो है वो प्रारंभ किया गया है। तीरथ बरत योजना, तीरथ परत योजना जो है वो पुराने योजना का नाम बदल के ये नाम रखा गया है और इसका उद्देश्य है प्रदेश के वृद्ध जन और दिव्यांग उनको जो है देश भर में जितने भी तीर्थ स्थान हैं उनका भ्रमण कराना इस योजना का उद्देश्य है। और इसका लक्ष्य है कि जो 4 महीने मतलब मई के बाद आगामी 4 माह में 15,000 वरिष्ठ नागरिक और 1,000 दिव्यांग लोगों को जो है तीर्थ स्थान का दर्शन कराना है ना। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग बताओ, ये जो अमरदास मानिकपुरी जो है वो किस विधा से संबंधी है? तो जो अमरदास मानिकपुरी जिनका निधन हो गया वो जो है तबला, खंजेरी, मांदर ये सारे जो आपके यंत्र बाजे होते हैं वो उनको बजाते हैं ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा जुगाड़ू, वो जो वन भैंसा है वो थे, उनका जो है मृत्यु हो चुका है उदंती में, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने करेंट अफेयर्स देख लिया है मई माह का और इसके आगे हम लोग आगे का देखेंगे मई के बाद जून जुलाई अगस्त का। और अब मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।